Yes, friends. तो ये वाला रूट नंबर 18 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि जितने भी रूट मैंने अभी तक लिए हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ बर्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स यू कैन एड इन योर इन योर आई मीन वोकैबुलरी इन योर माइंड एंड दैट विल स्ट्रेंथन योर वर्ड पावर, राइट। सो ये इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है बस, कि आपको अपनी बुक अवली बनानी है, डिक्शनरी देखनी है, सर्च करना है, और रूट्स में आपको बताता हूँ, इन रूट्स पर बेस्ड वर्ड्स आप देखोगे दे आर वेरी देन वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि आपको ये मालूम पड़ गया कि ये वर्ड ऐसा होता है, इसका मतलब ये होता है, और जैसे ही ये स्पेलिंग्स आपको देखेंगे आप अपने आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो, वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, राइट। तो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, कंपोजिशन आप अच्छा कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो स्पीक वेरी फ्लुएंटली, क्योंकि वर्ड्स आपके पास ऑटोमेटिकली माउथ में से निकलते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अनडाउटेडली, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इस वर्ड पर बेस्ड हैं, ये वर्ड कहाँ से लिया गया, किस लैंग्वेज का है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा चलो हम डिस्कस करते हैं, 18वां ये रूट है, मैं बार बार ये 18 बार लिखता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द 18th रूट नंबर, ठीक है जी। इसका मतलब है ये रूट है क्रोन, इसका मतलब होता है जी टाइम, राइट। कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है इट हैज बीन टेकन, It has been taken from Greek, Greek language से आया, Greek word, कौन सा word है भाई, वो word है chronos, उसका मतलब भी time ही होता है, ठीक है। इस पर बेस्ड ये word है, ये हमें root है, ये root का basic word है chronos, chronos का मतलब टाइम होता है, इस पर बेस्ड ये वर्ड्स है। मैं इन वर्ड्स को पहले डिस्कस करता हूँ, फिर आप देखिएगा। फर्स्ट वर्ड जैसे हमने लिया क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी एल ओ जी वाई, ये नाउन होता है, क्या होता है क्रोनोलॉजी, दिस इज साइंस और स्टडी ऑफ, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ साइंस होता है, suffix as a suffix, logy means science or study, so the science of recording, the science of recording, science of recording events, recording events by period and by date, ठीक है। इसके द्वारा जो हम नोट करते हैं तो उसको हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं, क्रोनोलॉजी मीन्स इवेंट वाइज, डेट वाइज आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इवेंट्स को, डेट वाइज, पीरियड वाइज, किस पीरियड में ये घटना घटी, कब ये डेट, क्या डेट थी उस दिन, उस डेट को नोट किया कि ये इवेंट इस समय थी, उस डेट को ये बची, ये घटती है, इस तरह से घटनाएं घट रही हैं, आई मीन इवेंट्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, और डेट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं टाइम के हिसाब से, जब रिकॉर्ड करते हैं इसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स डेट वाइज, पीरियड वाइज। सेकेंड वर्ड देखें, विच क्रोनोलॉजिस्ट है, तो क्रोनोलॉजिस्ट जो होता है वो भाई एक्सपर्ट होता है इसका, क्रोनोलॉजी का नाउन है ये भी, एन एक्सपर्ट ऑफ क्रोनोलॉजी, एन एक्सपर्ट ऑफ क्रोनोलॉजी, इन द साइंस ऑफ क्रोनोलॉजी, इन द एक्सपर्ट, ओके, एन एक्सपर्ट ऑफ क्रोनोलॉजी और साइंस ऑफ क्रोनोलॉजी, ओके, और साइंस ऑफ क्रोनोलॉजी, एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ क्रोनोलॉजी, ठीक है जी, एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ क्रोनोलॉजी, साइंस ऑफ क्रोनोलॉजी और जस्ट क्रोनोलॉजी, एन एक्सपर्ट ऑफ क्रोनोलॉजी, उसको हम क्या देते हैं क्रोनोलॉजिस्ट। थर्ड वर्ड देखें, थर्ड वर्ड में है क्रोनोलॉजाइज, व्हाट इज क्रोनोलॉजाइज, क्रोनोलॉजाइज, जी आई एस ई, क्रोनोलॉजाइज का मतलब है किसी भी इवेंट को जब एज ए वर्ब है, इट इज ए वर्ब, मींस टू गिव टाइम टू इवेंट्स ऑफ पीरियड एंड टाइम,
So he had to give time, to give to time or give time to period, and to an event, and to an event or events, to an event or events, okay, and to an event its time. जब आप किसी इवेंट को उसका टाइम देते हैं, इट्स टाइम टू गिव इवेंट्स इट्स टाइम, दिस इज नोन एज क्रोनोलॉजाइज. जब इवेंट्स को आप एक उसका टाइम दे रहे हैं, टू गिव टाइम टू द इवेंट्स, और एंड टू एन इवेंट इट्स टाइम, गिविंग इवेंट टाइम्स और गिविंग एन इवेंट इट्स टाइम, दैट्स नोन एज क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजाइज एज ए वर्ब, क्रोनोलॉजी मींस वी आर गिविंग टाइम टू इवेंट्स. तो क्रोनोलॉजी कहेंगे ये बात, ठीक है. एक्टिविटी ऑफ डूइंग, दिस एक्टिविटी ऑफ या पुटिंग डेट्स वाइज द इवेंट्स, डेट वाइज गिविंग डेट टू द इवेंट्स, दैट इज नॉन क्रोनोलॉजाइज. ये हो गया, ठीक है जी. ये थर्ड वर्ड था. अभी हम फोर्थ वर्ड की बात करते हैं. फोर्थ वर्ड क्या है? फोर्थ में है क्रोनिक. व्हाट इज अ क्रोनिक वर्ड? सी एच आर ओ and I see chronic adjective. Adjective, that means continuing for a long time. Chronic, anything is chronic, that means continuing for a long time. Continuing for a long time, that means a chronic, anything which is happening for a long time or occurring for a long time but is still not finished. For example, bridge construction, road construction is going on, nobody is caring, but it has taken number of years. So chronic, that is, that even has not yet completed, it is going on, that means chronic. Achha ji, to usko chronic word kehte the. Chronic kehte the event ko. Then chronicler. What is chronic? Chronicler. Chronic. Chronicler, right? Chronicler, L-E-R. This is chronicler. Chronicler as an event noun. Okay, chronicler. What is chronicler? Chronicler, a historian, a person or a historian. एक हिस्टोरियन होता है जो इवेंट को करता है, जो इवेंट वाइज डेट को, सॉरी डेट वाइज इवेंट्स को नोट करता है, उसको हिस्टोरियन कहते हैं. तो अ हिस्टोरियन, राइट, कौन होता है? हिस्टोरियन होता है. और अ क्रॉनिकलर ऑफ इवेंट्स, ऐसे कह सकते हो. और अ क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर ऑफ इवेंट्स, ऐसे आप इसको एग्जाम्पल देख सकते हैं. A chronicler of events, a historian of events, ठीक है ना? क्योंकि ये नोट कर रहा है चीजें. ये दो वर्ड्स हमने फोर और फिफ्थ डिस्कस किया. अब आते हैं सिक्स सेवन वर्ड्स के ऊपर. सिक्स वर्ड क्या है? सिक्स वर्ड देख, सिक्स वर्ड है क्रोनिकल, दैट इज क्रोनिकल. क्रोनिकल व्हाट इज क्रोनिकल? नाउन है क्रोनिकल. क्रोनिकल जैसे कोई मैगजीन होती है, इवेंट होता है, क्या होती है इवेंट, जैसे क्रोनिकल क्या है? ए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम. उसको हम जैसे मोस्टली मैगजीन होती है क्रोनिकल, एक क्रोनिकल खरीद लीजिए भाई, हैव यू एनी क्रोनिकल विच इज हैज रिकॉर्डेड इवेंट्स डेट वाइज, दैट मीन्स क्रोनिकल. मोस्टली मैगजीन्स आजकल छपती हैं, उन मैगजीन्स को भी हम क्रोनिकल कह देते हैं, ठीक है. तो क्रोनिकल क्या हुआ? That is a record of events date wise, record of events date wise, okay, in order of time, we can say, in order of time, time के हिसाब से आपने record किया events को, तो उसको chronicle कह देते हैं, chronicle. Seventh word देखें आप, क्रोनिकल. एंड अब आता है क्रोनो बैरोमीटर. व्हाट इज क्रोनो बैरोमीटर भाई? क्रोनो बैरोमीटर, क्रोनो बैरोमीटर काफी लंबा वर्ड है, लेकिन नाउन है. इंस्ट्रूमेंट विच इज कनेक्टेड विद क्लॉक, राइट,
a barometer, we can sorry, not instrument, but a barometer is connected with clock, means time ke hisab se barometer. Barometer kya hota hai? Jo air pressure naapta hai, usko barometer bolte hain. A barometer, kya bolenge usko? A barometer, usko chronobarometer bolte hain. A barometer connected with clock. Okay, connected with clock, clock of work or something, clock, right, for action. So this is known as chronobarometer, barometer connected with clock for work or something, right, for work. So this is called chronobarometer. Eighth word, dekhe hum. Eighth word mein hai ji, chronologer. Which chronologer? Chronologer, L-O-G-E-R. Ye noun hota hai. Again, this is the same word as chronologist. Chronologer or chronologist. Same word hai uska. Ek synonym word hai. Chronologer is another name. This is another name for chronologist. Another name for a chronologist. Chronologist. ठीक है जी, ये दूसरा बार होता है chronologist के लिए. Same synonyms हैं दोनों, chronologist and chronologer. Same words. अब आते हैं आप ninth पर. Ninth word है chronomancy. What is chronomancy? R O chrono mancy, M A N C Y. Chronomancy noun देखें आप. Chronomancy, C H R O N O M A N C Y, chronomancy. तो क्या है ये? अब chronomancy, अब जैसे mancy means होता है prediction type science or study when we are predicting something for future event. Chronomancy divination हो गया, yes, divination or anything which is divine, divination of events, right? Divination to determine yeah the right time, determine the right time for an event, right? Determine the right time for action. ठीक है, जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं मुहूर्त निकालना. जब आप मुहूर्त निकालते हैं, डिविनेशन करते हैं, तो उसको हम क्रोनोमेंसी कह देते हैं. क्रोनोमेंसी मीन्स कोई भी इवेंट के लिए आप पहले से डेट फिक्स करते हैं कि इस इवेंट को हम ये एक्टिविटी करेंगे, मीन्स जैसे मुहूर्त निकालना, ठीक है, तो उसको हम क्रोनोमेंसी कह देते हैं. डिविनेशन टू डिटरमाइन द राइट टाइम फॉर एक्शन. आप देखेंगे कि वो एक्शन जो आपने किया, आपको ये पता था पहले से, आपने क्रोनोमेंसी वर्ड है. क्रोनोमेंसी में जब आप डिवाइन हैं, आप आई मीन यू आर डिवीन, व्हाट यू कॉल, यू हैव द डिवाइन पावर जस्ट टू टेल और टू प्रेडिक्ट दैट दिस इवेंट इज टू हैज टू हैपन ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड द इवेंट हैज हैपेंड. दैट इज हाउ प्रेडिक्शन में से दैट एस्ट्रोलॉजर्स आर सेइंग लाइक दिस. ठीक है, उनको हम कहते हैं. तो डिविनेशन टू डिटरमाइन द राइट टाइम फॉर एक्शन, इसको हम क्रोनोमेंसी वर्ड कहते हैं. वैसे मेंसी जो होता है प्रेडिक्शन टाइप की लैंग्वेज आदमी साइंस होती है. द साइंस ऑफ मेंसी मीन्स प्रेडिक्शन, राइट, एस्ट्रोलॉजी टाइप. तो व्हेनेवर वी आर डिटरमाइंड हाउ टू ओके वी कैन जस्ट प्रेडिक्ट और से समथिंग दैट दिस इवेंट हैज टू हैपन ऑन दैट पर्टिकुलर एंड दैट इवेंट हैज हैपन. दिस इज दैट काइंड ऑफ थिंग अ पर्सन इज हैविंग, दिस डिवाइन थिंग इफ अ पर्सन इज हैविंग, तब कहते हैं क्रोनोमेंसी. द पर्सन इज हैविंग क्रोनोमेंसी क्योंकि टाइम के हिसाब से उसने हर इवेंट बोल दिया और वो इवेंट बेसिस्ट उस टाइम के हिसाब से घट गए. ठीक है, उसको क्रोनोमेंसी कह देते हैं. क्रोनोमेंसी अकॉर्डिंग टू टाइम द इवेंट्स आर अकरिंग. सो द पर्सन इज हैविंग डिवाइन पावर और ही हैज डिविनेशन एक्टिविटी, राइट, और just linked to God or something, you can predict like that. So this astrologers are mostly according to planet's conditions, they can predict that this event will happen because this is positive time for you or ये आपकी life में positive time आने वाला है और ये घटना घट सकती है. ये वो घटना घट जाती है तो उसको chronomancy word कहते हैं. क्योंकि according to
activities or date has been fixed, right? The activity will happen on that particular, and that event has happened. That means this is the chronomancy. The person has predicted about the events according to dates in advance. So when a person says something in advance that this event will happen on a particular date and that event are happening according to dates, that is known as chronomancy. ठीक है ना? अब आते हैं tenth word. Tenth word देखें. इसका मतलब है chronologic. Chronologic. भाई ये naturally adjective है. Chronologic. Right? No, the adjective relating to chronology, naturally. Chronologic means related to chronology. Related to chronology. Chronology. What is chronology? Right? Putting the dates, or sorry, events date wise. That is chronology. Science of putting the dates, putting the events date wise. That is chronology. So, chronology is when we are putting the events according to dates, that this date, this event happened on that day, so date wise we are selecting the dates. Now chronologic, right? Ab aata hai chronometer. Dekhiye, what is chronometer? Chronometer, M-E-T-E-R, chronometer, noun. Ye noun hai bhai, chronometer instrument hai, an instrument. An instrument to keep time, right? To keep time, to measure the events according to date or time, that is chronometer. When a meter instrument which is measuring the time or date wise, right? Measuring the event date wise or measuring the time, chronometer. Measuring the time will be chronometer time. And meter means measurement. So a meter which is measuring, instrument which measures time, that is keep the time. Okay, so instrument to keep time is to measure the time. This is chronometer. 12th word dekhiye. 12th word hai chronoscope. Chronoscope. Again noun. Chronoscope is a noun. Pass this piece. Kya hota hai bhai chronoscope? इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम इवेंट्स को देखते हैं राइट टू स्कोप मीन टू सी समथिंग टू वॉच समथिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स राइट इंटरवल्स ऑफ टाइम माइन्यूट इंटरवल्स ऑफ टाइम सो क्या होता है एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स intervals of time intervals of time minute intervals of time minute means यहाँ बीच बीच की सब घटना को देखता है जो भी आपकी इवेंट घट रही है बीच बीच में whatever the event I mean minute time is very very less times that is also being recorded जब कोई रिकॉर्ड करते हैं आप देखते हैं ठीक है scope means to see to watch when the time is being watched according to the date wise or dates or happening उसको हम chronoscope कहते हैं chrono means time scope means to see the events happening to see the yes events occurring okay according to time the instrument which measures intervals of time जो घटना घट रही है उसमें उस interval को happening जो time है उसको देख रहा है तो हम chronoscope कह देते हैं instrument हो गया right कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस तरह से इवेंट्स को देखता है क्रोनोस्कोप क्रोनोस्कोप वर्ड होता है ये 12th वर्ड है क्रोनोस्कोप वेरी इंपॉर्टेंट क्रोनोस्कोप क्रोनोमीटर राइट क्रोनोलॉजर क्रोनोलॉजिस्ट क्रोनिकल क्रोनिक नंबर ऑफ वर्ड्स देखा आपने कितने वर्ड्स मिल गए आपको क्रोनोलॉजिक क्रोनोमीटर क्रोनो बैरोमीटर क्या बढ़िया वर्ड है क्रोनो बैरोमीटर जब आप एयर प्रेशर नापते हैं साथ साथ में अपने क्लॉक अटैच कर रखी है उसे क्रोनो बैरोमीटर बोलना यानी वर्ड क्रोनो वर्ड टाइम है टाइम मेजरमेंट जब आपने क्लॉक लगा दिया टाइम मेजर साथ साथ हो रहा है बैरोमीटर में तो बैरोमीटर इज मेजरिंग द एयर प्रेशर विद टाइम विद
I mean, clock is also there. So according to time, what is the pressure at this moment, at this moment, at this moment, in this way, so chronobarometer बोल देते हैं. इस तरह से आपने देखा, ये 12 words तो हमने यहाँ root किए हुए हैं dictionary में से. तो आप देखेंगे कि बहुत सारे words और भी देख सकते हैं आप, जो भी आपकी life में words आते हैं. तो आप देखेंगे कि आपकी list, words की list काफी बढ़ जाती है. You can enhance your vocabulary by thousands of words. अगर आप ये हमने जैसे अभी तक 18 किए हैं, 18 रूट्स डिस्कस किए हुए हैं, 18 वर्ड्स से मैं कहता हूँ अगर आपने 50 वर्ड्स भी नोट किए हैं एक एक रूट पर, तो 18 फाइव जब या 90, राइट, 18 फाइव जब 90, तो उतने वर्ड्स आपके 900 के आसपास वर्ड्स मिल गए. ठीक है, 900 वर्ड्स भी नहीं किए. जबकि हम देखते हैं कि अगर आप इरेगुलर है, आम कोई भी कुछ भी वर्ड्स आप बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि एक साल के अंदर भी आपको इतने वर्ड्स नहीं मिलेंगे. 900 वर्ड्स आपको रोटन डाउन नहीं हो सकते, आप उनको समझ नहीं सकते मीनिंग वाइज. तो क्या मीनिंग होगा उसका, एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब एडवर्ब क्या है ये. लेकिन इस इन रूट्स की हेल्प से आप देखोगे डिक्शनरी के साथ में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देखते ही, तो आपको इतने सारे वर्ड्स विद इन टाइम मिल गए 18 लेक्चर्स के अंदर ही. और 18 अगर आपने 18 लेक्चर्स मेरे देखे हैं, ये सभी विजुलाइज करोगे आप देखोगे, विद इन 18 लेक्चर्स यू विल हैव थाउजेंड ऑफ वर्ड्स विल बी एडेड टू योर वोकैबुलरी, टू योर वर्ड पावर. ठीक है, इस तरह से आप अपनी वर्ड पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हो. और ये मोस्टली ये वर्ड्स अभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के वर्ड्स हैं और ये उसमें आते हैं. आप देखेंगे कि आपकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है ये, तो क्योंकि यू विल बी बेनिफिटेड फॉर योर होल लाइफ. ऐसा नहीं है कि आप अभी लर्न कर रहे हैं, कंपटीशन में काम आ जाएंगे, बस उसके बाद कभी नहीं आते. इट इज़ नॉट, बट इट इज़ फॉर ऑलवेज, हमेशा लाइफ में यूज होते हैं. आप राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप स्पीकिंग करते समय आप यूज करेंगे इन वर्ड्स को. यू विल बी कंसिडर्ड एज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, द रीजन इज वेरी वेरी फ्लुएंट स्पीकिंग ऑल्सो, क्योंकि वर्ड्स आपके साथ अपने आप आते जाएंगे, क्योंकि मीनिंग के हिसाब से आप उन वर्ड्स को यूज करेंगे. ओके, इस तरह से आपने देखा कि ये जो वोकैबुलरी रूट्स हैं, 18th रूट्स हमने लिया है अभी ये हिंदी वर्जन में, सिमिलर इंग्लिश वर्जन में भी आप देखिए, दोनों वर्जन को मैं साथ में लेता हूँ, जिससे कि आपको दोनों समझ आते हैं. जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के वो इंग्लिश के वर्ड समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना है तो नेचुरली वो हिंदी मीडियम के थ्रू पढ़ते हैं, तो दे विल बी बेनिफिटेड. और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो इंग्लिश में समझते हैं. इफ अप टू नाउ इफ दे वर नॉट सो मच कंसंट्रेटेड अपॉन द इंक्रीजिंग पावर, वर्ड पावर बढ़ाने के लिए इतनी कंसंट्रेट नहीं थी, अब वो कंसंट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको वोकैबुलरी जल्दी से जल्दी पिकअप हो जाती है. इस तरह से आप देखें रूट्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, इनको हम डिस्कस करना चाहते हैं और आप देखोगे कि यू विल बी बेनिफिटेड सो मच, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी जब स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथन्ड हो जाएगी, तो आपको भी फायदा है, आपके आसपास लोगों को फायदा है, यू विल बी बेनिफिटेड फॉर योर होल लाइफ. ठीक है, चलते फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में और नेक्स्ट रूट के अंदर फिर मिलते हैं आपसे. ओके, थैंक यू, बाय.